असम के प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के अचीवर अवार्ड समारोह में असम के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी और प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन संपादक जयंत बरुआ जी, लोकसभा में हमारे साथ सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, विधायकगण, असम और नॉर्थ ईस्ट के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, समाज में क्रांतिकारक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए दिशा दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, उन सभी अचीवर अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पूर्वी प्रदेश के दार असम पर की धरती पर आना हुआ। ये धरती जो पूर्व प्रदेश का द्वार तो है सही, लेकिन पूर्व की पूरा नॉर्थ ईस्ट इसका गौरवशाली इतिहास, इसकी समृद्ध विरासत, यहां की विविध संस्कृति, जन जन की आस्था के प्रति माता कामाख्या जी का मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य की धरती पर आकर बहुत मुझे प्रसन्नता हुई और इसके लिए मैं विशेष रूप से जयंत बरुआ जी को धन्यवाद दूंगा कि उनका आग्रह पर मेरा इस गुवाहाटी शहर में आना हुआ। इस नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र के अंदर जहां इस क्षेत्र के लिए सामाजिक रूप से यहां आजादी के आंदोलन लड़ने वाले लोगों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, इस अमृत महोत्सव में उनका याद करने का भी दिन है। जिन लोगों ने यहां पर सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति, संगीत के इस ध्वज को देश विदेश में पहुंचाया, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी को याद करने का दिन है। साथियों, लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर और देश के लोकतंत्र के अंदर मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस देश के अंदर मीडिया के कोई से भी क्षेत्र के अंदर आजादी के आंदोलन के समय भी इस देश की जनता को
एक दिशा दी, आजादी के आंदोलन करने वालों की भावनाओं को कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उस समय भी निर्भीक और निडरता से अंग्रेजों के शासन के जुल्म हत्याचार को लिखा और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। इसलिए आजादी के आंदोलन के अंदर भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी के साथ जो आजादी का आंदोलन भी लड़ रहे थे और अपनी कलम से अपनी आवाज से देश की जनता को आंदोलित कर रहे थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, देश के कितने ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी इस देश के आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में भूमिका निभाई। और इसीलिए उस समय भी मीडिया की सकारात्मक भूमिका थी। और जब आजादी के हम 75 साल इस यात्रा के अंदर जो अमृत महोत्सव का मना रहे हैं, उस समय भी मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए जब संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी और मनीषियों ने संविधान लिखा था, उस समय स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, यह उन्होंने संविधान में भी प्रावधान किया था। और इसीलिए आज 75 साल बाद भी जनता की आवाज को, जनता की बात को, जनता की समस्याओं को, जनता के अभावों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस लंबी लोकतांत्रिक यात्रा में आपने देखा होगा कि मीडिया ने किस तरीके से सकारात्मक रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक की बात को समाज के सामने लाने का काम किया। लेकिन मीडिया के इस परिप्रेक्ष्य में 75 साल में व्यापक परिवर्तन आया। मीडिया और पत्रकारिता की भूमिका भी परिवर्तन हुई, उनके कार्यक्रम का क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव हुआ। और मीडिया के विभिन्न चरणों के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी के युग के अंदर त्वरित सूचना पहुंचाने का काम भी मीडिया के माध्यम से आज हो रहा है। जहां मीडिया की सकारात्मक भूमिका है, वहां पर मीडिया की निष्पक्षता और सटीक समाचार, इस पर भी आकलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मीडिया आज पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था,
फिर आकाशवाणी आई, फिर दूरदर्शन आया, अब सोशल मीडिया आया। मीडिया के इस 75 साल के अंदर आपने काफी बदलाव देखा। जहां पर सोशल मीडिया की जब हम चर्चा करते हैं, एक तरफ उसका सकारात्मक पहलू दिखता है, दूसरी तरफ फेक न्यूज के कारण कई गलत समाचार के कारण समाज में भ्रामक स्थिति भी बनती है। लेकिन हम अगर सकारात्मक दृष्टि से कौन से देख सोचे, तो हमने कोरोना महामारी के अंदर देखा कि समाज में अकेला व्यक्ति भी, जिसमें उसके परिवार के व्यक्ति उसके साथ नहीं थे, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताई और समाज के कई लोगों ने उसकी मदद आगे आकर उसकी जिंदगी को बचाने का काम किया। मुझे याद है कि देर रात्रि तक अगर सोशल मीडिया पर एक भी ट्विटर या एक भी मैसेज आता था तो मेरे घर में मेरी परिवार की दोनों बेटियां चिंतित होती थी कि पापा ये मैसेज आया, ये कहीं ना कहीं संकट के अंदर। और इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष भी काफी है। इसलिए मैं विशेष रूप से प्रतिदिन मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एक लाइफ टाइम पुरस्कार देकर अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भूमिका निभाई, किसी ने कला में, संस्कृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर, व्यापार में, सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, स्वच्छता के अंदर, ऐसे तमाम क्षेत्रों के अंदर जिन्होंने श्रेष्ठ काम किए, जिनके प्रयासों से समाज में एक व्यापक बदलाव आया, जिनके प्रयासों से समाज में अन्य लोगों को प्रेरणा मिली, निश्चित रूप से उन सभी को पुरस्कृत करने के लिए मैं प्रतिदिन मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही मीडिया में परिवर्तन आया है। क्या मीडिया समाज में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए, समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक जन आंदोलन का काम भी मीडिया करता है? जब कभी समाज में संकट आपदा की स्थिति आती है, उस समय मीडिया के माध्यम से, जन सहयोग से, सामूहिकता के साथ समाज में आने वाली आपदा विपदाओं में सकारात्मक भूमिका निभाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि असम का एक क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी के तटक्षेत्र है, यहां पर हर साल बाढ़दार आपदा का संकट बना रहता है और बाढ़ आपदा के समय हम उन संकट में घिरे लोगों को अगर सामूहिकता के साथ काम करते हैं तो हम उनकी पीड़ा और दर्द को कम करने का काम करते हैं। और इस कोरोना के समय भी जहां सरकार ने अपनी सकारात्मक रूप से काम किया,
वही समाज में सामूहिकता के साथ हर अभाव और संकट में जहां भी लोगों को देखा, समाज उसके लिए सेवा करने के लिए, उनको अभाव को दूर करने के लिए कटिबद्ध होकर समर्पण सेवा से काम किया। और जो समर्पण सेवा से काम करने वाले लोगों को, उनके कार्यों को मीडिया का सकारात्मक रूप से दिखाता है तो समाज में और नई प्रेरणा मिलती है। और ये काम जो प्रतिदिन मीडिया ने किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जिन संस्थाओं के माध्यम से, व्यक्ति से रूप से, जिन लोगों ने भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम किया है, जिनको आज पुरस्कार किया है, उससे समाज को और नई प्रेरणा मिलेगी, समाज में सामाजिक काम करने में प्रतिस्पर्धा होगी और हम सब सामूहिकता के साथ इस देश और प्रदेश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सहयोग करेंगे। मुझे आशा है कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र अब नए विकास के आयाम को प्राप्त कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जो पिछड़ा क्षेत्र था, किस तरीके से उस क्षेत्र को हम विकास के सबसे अग्रिम पंक्ति पर ला सकें, उसके लिए सकारात्मक रूप से सरकार ने काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत जी हैं, जितने भी राज्य के पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वे लगातार इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षण रखते हुए किस तरीके से इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास होगा यही संपूर्ण भारत का विकास होगा। और इसी दृष्टिकोण से सरकार भी काम कर रही है, देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं भी काम कर रही है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के जनप्रतिनिधि जिन्होंने जनता से जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है, उनकी कोशिश है कि हम इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें। और मुझे आशा है कि जनप्रतिनिधि और समाज सामूहिकता के साथ काम करेगा तो संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर, जहां के जनजीवन के अंदर आत्मविश्वास है, कार्य कुशलता की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति प्रति समर्पण है और पूर्वोत्तर लोगों की इसी विशेषता के कारण आने वाले समय के अंदर देश के अंदर आपके प्रयासों से यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत में सबसे विकास की दृष्टि में हर क्षेत्र में अग्रिम होगा, यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। पुनः मैं जयंत बरवा जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने समाज में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार किया, जिनकी कार्य से नई प्रेरणा मिलेगी और मुझे आपके कारण आने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।